अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एसेंस का रिव्यू दे रही हूँ, कॉज आर एक्स स्नेल पावर एसेंस दिस वन। ओके, सो इसी तरह जो है ये सीरीज जैसे मैंने बनाई है, पहले मैंने क्लिंजर की बनाई है, फिर मैंने टोनर की बनाई है, फिर एसेंस की, तो इसी सीरीज में ये फेस के ऊपर अप्लाई भी होंगे। सो गाइज़, पैकेजिंग की जहाँ तक बात करें, इस तरह की कार्डबोर्ड पैकेजिंग है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की पैकेजिंग है। और इसके ऊपर आई डोंट नो ये कोरियन लैंग्वेज है या कौन सी लैंग्वेज है, एक तरफ इस तरह से लिखा हुआ है और एक साइड पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। सो आप बहुत इजीली जो है वो समझ सकते हैं इंग्लिश में, ओबियसली। सो इस तरह से इसकी डायरेक्शंस लिखी हुई हैं, इंग्रेडिएंट्स मेंशन है, एक्सपायरी डेट मेंशन है, और एक्सपायरी डेट जो है वो बॉटल के ऊपर भी मेंशन है। ओवरऑल पैकेजिंग बहुत ही डिसेंट सी, बहुत ही हाई एंड टाइप की पैकेजिंग है। और जब ओपन करते हैं तो ओवरऑल प्लास्टिक पैकेजिंग है, प्लास्टिक बॉटल भी बहुत अच्छी क्वालिटी की है। ये दो तीन बार मुझसे गिर भी चुकी है, बट इसको कुछ नहीं हुआ, ये एज इट इज़ है। सो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मैं कहूँगी कि पैकेजिंग है, स्मूथ पंप है, स्मूथली प्रोडक्ट जो है वो पंप से बाहर आ जाती है और यूज़ करने में मज़ा आता है। बॉक्स वगैरह मैंने इसीलिए सब कुछ संभाल के रखा हुआ था कि जब रिव्यू करूँगी तो आपको ईच एंड एवरीथिंग मैं दिखा सकूँ। सो इस तरह से ओवरऑल इसका लुक है। एक्सपायरेशन डेट बॉटम ऑफ द बॉटल मौजूद है, लॉन्ग एक्सपायरी है, देख सकते होंगे 2023 में ये एक्सपायर होगी प्रोडक्ट, तो इनफ टाइम है, आप लॉन्ग पीरियड यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं पंप से निकाल के आपको इसका थोड़ा सा टेक्सचर अपने हैंड के ऊपर दिखा रही हूँ। इसका बहुत ही एक थिक सा लिक्विड है, मतलब लिक्विडी थिक टेक्सचर है और लेस टाइप का टेक्सचर है, जैसे एक म्यूकस टाइप का जो टेक्सचर बनता है ना, इस तरह से आप देख सकते होंगे। आई डोंट नो मैं ठीक से एक्सप्लेन भी कर रही हूँ या नहीं, बट यू कैन सी। और इसको इस तरह से अप्लाई करना है जस्ट फिंगर की हेल्प से, और अच्छे से ये स्किन को हाइड्रेट कर देती है, मॉइस्चराइज कर देती है। और बहुत ही अच्छा ये स्नेल पावर म्यूसिन एसेंस है। और बाकी ये है कि मैं आपको आगे इसकी डिटेल्स बताऊंगी, फेस के ऊपर भी अप्लाई करके दिखाऊंगी। अच्छा, जैसे मैंने बताया, ये स्नेल एडवांस स्नेल 96 म्यूसिन पावर एसेंस, हाईली रिकमेंडेड ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, ऑयली स्किन, एक्नी प्रॉन वाले थोड़ा सा इस एसेंस से बचें। वो इसलिए कि अगर आप ये टोनर यूज़ कर रहे हैं ऑयली एक्नी प्रॉन स्किन वाले, या कॉज आर एक्स का कोई भी एक्नी रिलेटेड टोनर आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप ये स्नेल यूज़ कर सकते हैं। एक्नी स्किन वाले अगर सिर्फ डायरेक्टली ये एसेंस, स्नेल एसेंस यूज़ करेंगे, तो मे बी पॉसिबल आपको ब्रेकआउट का इशू हो, क्योंकि मुझे हुआ था। जब मैंने इसको स्टार्टिंग में यूज़ करना शुरू किया था, तो मेरे यहाँ पर और यहाँ पर एक्नी हो रही थी, बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे एक बार लगाया तो एक दो यू नो ब्रेकआउट्स निकल आए। तो ऑल डिपेंड कि आप किस तरह से किस वक्त पे प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं। अगर ये दोनों प्रोडक्ट्स एक्नी वाले यूज़ करेंगे तो आपको एक्नी ब्रेकआउट्स का इशू नहीं होगा, लेकिन अगर आप सिर्फ ये यूज़ करेंगे तो ये आपको एक्नी ब्रेकआउट्स का इशू कर सकता है। अदरवाइज इट इज़ ऑल स्किन टाइप। अच्छा, ये जो स्नेल म्यूसिन पावर एसेंस है, ये बेसिकली करता क्या है? ये बहुत कुछ करता है, ठीक है। ये स्नेल पावर एसेंस, अगर आपने स्नेल एक्सट्रैक्शन या उससे रिलेटेड आपने पढ़ा है या सुना है, तो इसके बहुत फ़ायदे हैं। कोरियन स्किन केयर में स्नेल पावर एसेंस बहुत फेमस चल रहा है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा और अफोर्डेबल तो मैं नहीं कहूँगी, जैसे मैंने बताया कॉज आर एक्स की मोस्टली चीज़ें 3000 और 3000 से ऊपर तक की मिल रही हैं पाकिस्तान में। और जिस वेबसाइट से मैंने ये प्रोजेक्ट परचेज की हैं, उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी, देख लीजिएगा। और अच्छा, इसके ऊपर जैसे आपको मैंने क्लोजअप में पैकेजिंग दिखाई, ईच एंड एवरी थिंग इसके ऊपर मैंशन है, ठीक है। सो ये देख सकते होंगे आप कि मैं इतना इसको यूज़ कर चुकी हूँ, और अभी जो मेरी स्किन हेल्दी और पोर्स मिनिमाइज नज़र आ रहे हैं,
वो इसने भी काफ़ी हेल्प की है, टोनर ने हेल्प की है, क्लिंजर ने हेल्प की है, इस पावर एसेंस ने हेल्प की है। ठीक है, तो ये स्नेल पावर एसेंस बेसिकली करता क्या है, स्किन के ऊपर स्कार्स और पोर्स को ब्लर करता है, मिनिमाइज करता है, स्किन को स्मूथ करता है। ठीक है, और अक्सर जो हमारे स्किन के अराउंड इस एरिया पर डिस्कलरेशन होती है या यहाँ पर डिस्कलरेशन होती है, पिगमेंटेशन होती है, ये उसको रिमूव करता है। और डेफिनेटली ये जो सब मैं कह रही हूँ ये करता है, लेकिन ये तभी करेगा जब आप प्रोडक्ट को रेगुलरली यूज़ करेंगे। अगर आप छोड़ देंगे तो इतने इफेक्ट आपको नहीं मिलेंगे। तो वीक में 2 बार आप इस एसेंस को लाजमी यूज़ करें। वीक में 2 बार से मुराद महीने में 6 बार आप लाजमी, 6 बन रहे हैं, नहीं, सॉरी, 8 बन रहे हैं। तो महीने में 8 बार आप ये जो है एसेंस को यूज़ करें। नाइट टाइम में यूज़ करें, प्रेफरेबली नाइट टाइम में यूज़ करें, इवनिंग टाइम में यूज़ करें, बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, अब बात आ जाती है कि यूज़ करना किस तरह है। जैसे मैंने आपको टाइमिंग बता दी और कितने बार यूज़ करना है, ये है कि आपने अपना फेस क्लेंस किया, टोनर अप्लाई किया और ये एसेंस अप्लाई किए कर लिया। हर प्रोडक्ट को आपने, जैसे मैंने बताया, स्किन के साथ फ्रेंडशिप करने का आपने टाइम देना है, स्किन के साथ जो है वो अच्छे से घुल मिल जाए प्रोडक्ट, और फिर उसके बाद आपने न्यू प्रोडक्ट स्किन के ऊपर अप्लाई करनी है। अब जैसे आपने फेस वॉश कर लिया, सिर्फ फेस वॉश किया है, आपके पास टोनर नहीं है, क्लिंजर नहीं है, आपके पास सिर्फ ये है, फेस वॉश करने के बाद सिर्फ ये अप्लाई कर लें, ये स्किन को हाइड्रेट रखता है, स्किन को मॉइस्चराइज करता है, स्किन के ऊपर ग्लो की अगर मैं बात करूँ तो यस, अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं तो स्किन के ऊपर एक स्लाइटली ग्लो भी फेंकता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है ये स्कार्स के लिए और लार्ज पोर्स के लिए। ठीक है, स्किन को हेल्दी और स्मूथ करने में ये बहुत हेल्पफुल है। सो हाईली रिकमेंडेड कॉस RX प्रोडक्ट। तो ये एडवांस स्नेल 96 पावर म्यूसिन्स एसेंस आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जैसे मैंने बताया कि अगर आपकी एक्नी स्किन है, एक्नी प्रॉन स्किन है, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं अवॉइड, ज़रूरी नहीं है कि आप ये यूज़ करें। कॉज RX की और भी बहुत अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं एक्नी से रिलेटेड, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी कि एक्नी के लिए कौन सी अच्छी प्रोडक्ट्स आप कॉज RX की यूज़ कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। ठीक है, तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार लाजमी चेक कर लीजिएगा। अब मैं इसको फेस के ऊपर आपको थोड़ा सा अप्लाई करके दिखा देती हूँ। इसका टेक्सचर जो है, जैसे मैंने आपको क्लोजअप में भी दिखाया, बहुत ही ज़्यादा इस तरह का ना इसका टेक्सचर है, शायद आपको नज़र आ रहा हो इस तरह का। ठीक है, तो ये मैक्सिमम मैं 2 से 3 पम्प लेती हूँ और ये पूरे फेस के ऊपर ना इजीली आ जाता है। तो इस तरह से ये इसका कैप वापस लगा दें। बहुत ही ना इसका इस तरह का टेक्सचर है, पता नहीं आप लोगों को मैं दिखा पा रही हूँ या नहीं। स्टिकी सा इसका टेक्सचर है, मतलब एक लेस होती है ना वो बनती है, पता नहीं नजर आ रही है नहीं आ रही वीडियो में, ये देखें ये शायद यहाँ आ रही हो। ठीक है, तो आपने फेस के ऊपर, मैंने इसके आई थिंक 2 या हाँ 3 पंप लिए हैं ना, तो ये इजीली मेरे फेस के ऊपर लग जाता है। अगेन आपने आई एरिया को छोड़ना है, आई एरिया पे कोई भी अच्छा सा आई सीरम या आई क्रीम आप अप्लाई करें, आई एरिया को छोड़ते हुए आपने ये पावर एसेंस लोशन अप्लाई करना है। ठीक है, बहुत ही सॉफ्ट हैंड के साथ आप मसाज कर लें। बेसिकली आपने स्किन के ऊपर एब्जॉर्ब करवाना है और कुछ नहीं करना, जब स्किन एब्जॉर्ब कर लेगी तो बस छोड़ दें, डन। और ये भी आपने इवनिंग या नाइट टाइम में यूज करना है। ठीक है,
अभी बात करें तो अभी से ही स्किन जो है वो मॉइस्चराइज और हाइड्रेट फील कर रही है, और बहुत ही स्मूथ एंड सॉफ्ट फील कर रही है स्किन, ठीक है? तो हाईली रिकमेंडेड, ज़रूर ट्राई करें अगर आपका बजट इजाज़त देता है, और अगर आपका बजट नहीं भी इजाज़त देता तो आप सेविंग करें, ठीक है? दो तीन ज़बरदस्त महंगी सी अच्छी सी जो है वो कोरियन स्किन केयर प्रोडक्ट आप परचेज़ कर लें, आपकी ये सारी सस्ती चीज़ों से और जो लोकल चीज़ें हैं उनसे जान छूट जाएगी, ठीक है? अच्छा, जहाँ तक बात करें कि ये स्किन के ऊपर कैसा फील होता है, ड्राई स्किन वालों को तो बहुत ही हाइड्रेटिंग और अच्छा सा फील होगा। जहाँ तक बात आती है ऑयली और एक्नी प्रोन स्किन की, तो थोड़ा थोड़ी सी देर लगता हैवी स्किन के ऊपर, बहुत ही लाइट सा हैवी लगता है, इतना हैवी नहीं लगता, ठीक है? तो कुछ ही देर बाद ये स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन के साथ, जैसे मैंने बताया कि प्रोडक्ट को स्किन के साथ दोस्ती करने का मौका दिया करें। तो जैसे ही स्किन के साथ घुल मिल जाता है तो बिल्कुल फील नहीं होता कि कोई चीज़ आपने अप्लाई भी की हुई है फेस के ऊपर। बट यस, स्किन बहुत हाइड्रेटिंग फील करती है, सॉफ्ट फील करती है, और स्किन बहुत अच्छा महसूस करती है, ठीक है? जैसे स्किन को जो है वो आपने उसका फूड दे दिया हो, इस तरह से जो है स्किन फील करती है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको क्लोजअप दिखा देती हूँ। तो ये देखें, अभी ये है कि अप्लाई ही किया है आपके सामने, इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। तो ये है कि रेगुलर यूज़ अगर आप करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है ये पावर एसेंस, पावर एसेंस, ठीक है? स्नेल पावर एसेंस, सो हाईली रिकमेंडेड। और बस मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।